हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, ठीक है। UP SSSC लेखपाल 2022 के मेंस के एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कुछ स्कीम्स जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात की गई है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। इसको लॉन्च किया गया था 1952 में और इसका जो लक्ष्य था वो था संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। शॉर्ट में जो लास्ट ईयर का पेपर था, मतलब लास्ट ईयर बोले तो 2015 में जिस टाइप का पेपर था, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन है या तो कब लॉन्च किया गया था या किस लिए लॉन्च किया गया था, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सघन कृषि जिला कार्यक्रम। इसको 1960-61 में लेके आया गया था और इसका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो था किसानों को ऋण, बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, ठीक है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61। इसके बाद बात की जाए गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। इसको लेके आया गया था 1964-65 में और इसका जो टारगेट था वो था विशिष्ट फसलें विकसित करना, ठीक है। फिर इसके बाद आया हरित क्रांति। हरित क्रांति आया 1966-67 में और इसका जो टारगेट था वो क्या था, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना, ठीक है। ये वो 60s का टाइम है जब हम हाथ पैर मार रहे थे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसी टाइम हम लेके आए थे हरित क्रांति, ठीक है, 1966-67। इसके बाद आया है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972-73 में। टारगेट क्या था, गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करा, ठीक है। इसके बाद आया सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कब, 1973 में। इसका टारगेट क्या था, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के लिए उपाय करना, ठीक है। सूखे से बचाने के लिए ये टारगेट लेके आया गया था 1973 में। इसके बाद आया 20 सूत्री कार्यक्रम, कब, 1975 में। क्या टारगेट था, गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना, ठीक है। क्या बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को लेके आए थे। क्या नाम था इसका, 20 सूत्री कार्यक्रम, कब, 1975। नेक्स्ट है काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है। इसको लेके आए हैं 1977-78 में। टारगेट क्या था, विकास कार्यक्रमों में शारीरिक काम हेतु खाद्यान्न देना, ठीक है। मेहनत मजदूरी कराएंगे और आपको खाना देंगे, इसके बदले में खाद्यान्न देंगे, तो यही इसका टारगेट था। तो इसको लाया गया कब, 1977-78 में, ठीक है। विकास कार्यक्रमों में शारीरिक काम कराना, फिजिकल वर्क कराएंगे, गड्ढे खुदवाएंगे, नाली बनवाएंगे, जो कुछ भी है वो सब इसमें आने का। नेक्स्ट है अंत्योदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय योजना आई है 1977-78 में। टारगेट क्या था, गाँव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना, ठीक है। ये इसका टारगेट था अंत्योदय योजना का। इसके बाद है ग्रामीण युवाओं को रोजगार हित प्रशिक्षण, प्राइसेन, ठीक है। 2015 का जो पेपर था लेखपाल वाला, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको कब लेके आया गया है, 1979 में, 1979 में इसको लेके आया गया था। क्या काम क्या है इसका, ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था, ठीक है, ट्राई सेम। नेक्स्ट है समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इसको IRDP बोलते हैं, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इसको कब लेके आए, 1980 में। टारगेट क्या था, गांव के गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण देने का कार्यक्रम था ये, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, DWACRA, इसको कब लेके आए, 1982 में। टारगेट क्या था इसका, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP, इसको लेके आए 1983 में। टारगेट क्या था इसका, भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक फसल बीमा योजना, कब लेके आया, 1985 में। टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था इसका,
विभिन्न कृषि फसलों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का टारगेट था, उद्देश्य था। 1985 में लाया गया था इसको। नेक्स्ट है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, इसको लेके आए हैं 1986 में। ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना इसका टारगेट था। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नाम से ही पता चल रहा है। 1988 में इसको लेके आया गया, उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को साक्षर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना JRY, इसको लेके आया गया है 1989 में। टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था, नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना 1989। इसके बाद है महिला समृद्धि योजना, इसको लेके आया गया है 1993 में। क्या था इसका टारगेट, ग्रामीण महिलाओं को डाकघर के बचत खाते में पैसा जमा करने को प्रोत्साहित करना। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसको लेके आया गया है 1995 में। टारगेट क्या था इसका, था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, इसको लेके आया गया है 2004 में। काम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिका विद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना से 2004 से बहुत सारे स्कूल बनाए गए हैं। ठीक है, किसके लिए, बालिका विद्यालयों की स्थापना करना निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों में। ठीक है, जिन जिलों में फीमेल लिटरेसी बहुत कम है उन जिलों में हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, इसको लेके आया गया 1999 में। क्या है ये, वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना इसका उद्देश्य था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसको लेके आया गया है 2001 में, और इसका उद्देश्य क्या, कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, ठीक है, नरेगा था उस टाइम, अब तो मनरेगा हो गया। फरवरी 2006 में इसको लेके आया गया। काम क्या था, उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी को मिटाना। ठीक है, और भी स्कीम्स हैं, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। एक स्कीम आई थी धन लक्ष्मी योजना, किसके लिए, महिला शिशुओं को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए। ठीक है, एक और आई थी स्कीम स्वास्थ्य बीमा योजना निर्माण, इसका उद्देश्य क्या था, मंद बुद्धि 1 लाख बच्चों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। फिर है आरोम बायो विलेज परियोजना, यूपी की बंजर एवं बेकार भूमि पर सुगंधित एवं चिकित्सीय पौधे उगाना इसका टारगेट था। स्कीम एक और है स्वाधार योजना, क्या है ये, महिलाओं को गृह आश्रम का निर्माण कराना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है स्वावलंबन योजना, यूपी के उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है उज्ज्वल योजना, महिलाओं के क्रय विक्रय तथा व्यवसायी यौन शोषण की रोकथाम करना। ठीक है, नेक्स्ट था स्वयं सिद्धा परियोजना, इसका उद्देश्य था महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित करके उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण में कुशलता विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, अभी भी चल रही है। कृषकों की मासिक पेंशन इसको बढ़ा दिया गया 125 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया। ठीक है, डिस्कवर योर रूट्स योजना, ये क्या है, विदेश में बसे भारतीयों को अपने पूर्वजों के गांव से जोड़ना। नेक्स्ट है किसान मित्र योजना, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट है कृषि विविधीकरण योजना, किसानों में उन्नत कृषि तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके कृषि उपज को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है सेनेटरी मार्ट योजना, उत्तर प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, बहुत बहुत गंदा काम है, लेकिन इसको अब तो काफी कम हो चुका है,
मुझे नहीं पता गाँवों में अभी भी चल रहा है कि नहीं, लेकिन पहले तो शहरों में भी चलता था। मैंने बचपन में ये सब चीज़ें देखी, बहुत बहुत गंदा काम। नेक्स्ट है सखी योजना। सखी योजना क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना इसका टारगेट था। मिनी डेयरी योजना, ये क्या है? दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करके रोजगार में वृद्धि कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है समेकित बाल विकास परियोजना, ये क्या है? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाना, ठीक है, उनका जो भोजन वगैरह है उसकी अच्छी उत्तम व्यवस्था करना। बालिका श्री योजना, इसका उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है खादी कामगारों हेतु जनश्री बीमा योजना, इसका उद्देश्य था खादी कामगारों का बीमा कराकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है आदर्श जलाशय योजना, इसका काम क्या था? प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय विकसित कर जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सभी वर्गों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक योजना, इसका उद्देश्य था कक्षा 6 से 8 तक के सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान कर प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है प्रशासनिक सेवाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना, क्या है? नाम से पता चल रहा है अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराकर प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट है भूगर्भी जल परियोजना, इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश में, यूपी की बात हो रही, प्रदेश में भूगर्भीय जल के स्तर में आने वाली कमी को रोकने हेतु प्रयास करना। नेक्स्ट है परिवार नियोजन बीमा योजना, उद्देश्य क्या था? नसबंदी कराने के दौरान महिला की मृत्यु पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान कर बीमा सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है नई अक्षय ऊर्जा दुकान योजना, ये क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों की पहुंच पूरे प्रदेश में कराने हेतु प्रत्येक जिला में अक्षय ऊर्जा दुकान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ग्रोथ सेंटर योजना, इसका क्या उद्देश्य था? पिछड़े गांवों के नजदीक सुविधाएं मुहैया कराकर तेजी से बढ़ रहे पलायन पर अंकुश लगाना, जो माइग्रेशन हो रहा है उसको हमको रोकना है, ठीक है। गांव के आसपास ही हमें जो सुविधाएं हैं जिसके लिए लोग भाग रहे हैं, जॉब्स वगैरह हो गए, एजुकेशन होगी, जो कुछ भी रीजन है जिसके लिए लोग शहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है भूमि सेना योजना, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर उपजाऊ बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो इससे मिला ही होगा जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।